हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वायरस। वायरस की हिंदी मीनिंग होती है विषाणु। सबसे पहले जानेंगे कि वायरस का अर्थ क्या होता है। वायरस का अर्थ होता है पॉइजन। वायरस जो होता है इसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते, यानी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए हमको एक स्पेशल माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। ये किसी सजीव परपोषी के अंदर इंटर करके ही अपना प्रजनन शुरू करता है। और ये क्या होता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग की बीच की कड़ी होती है, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये कैसे, जैसे कि ये किसी सजीव सेल्स के अंदर जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक ये अपना प्रजनन रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं करेगा। जैसे ही वो सजीव सेल से बाहर आएगा वो क्या करेगा, वो निर्जीव के जैसे ही व्यवहार करने लगेगा, यानी नॉन लिविंग के जैसे ही वो व्यवहार करने लगेगा। इसलिए इस दोनों के बीच की कड़ी माना गया है, ना तो इसको सजीव बोल सकते हैं ना ही निर्जीव बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच की क्या है, कड़ी है। और क्या होता है इसमें न्यूक्लियो प्रोटीन या तो डीएनए पाया जाएगा या तो आरएनए। इसमें न्यूक्लिक एसिड जो होता है या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों कभी एक साथ नहीं पाया जाता, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। और इसमें जो प्रोटीन होता है वो कैप्चर्ड होता है, जो कैप्चर्ड के यूनिट को क्या बोलते हैं, कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं। और इसमें ये सेल थियोरी का अपवाद भी माना गया है। जैसे कि सेल थियोरी जो होता है, सभी वो लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ऑल लिविंग थिंग्स इज मेड अप बाय सेल्स, क्या होते हैं, सारे लिविंग थिंग्स वो सेल्स के बने होते हैं, लेकिन इसमें तो सेल्स पाया ही नहीं जाता है, तो इसलिए क्या है, ये सेल थियोरी का अपवाद भी माना गया है। और इसमें क्या होते हैं, इसमें सेल्स नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको ए सेलुलर या ए सेलुलर और नॉन सेलुलर भी बोलते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको किसने खोजा, किसने टर्म दिया, इसका लैटिन वर्ड क्या होता है, इसके स्टडी को क्या बोलते हैं, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, वायरस के स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरस के स्टडी को वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी, इसका जो लैटिन वर्ड पॉइजन, इसका जो लैटिन वर्ड होता है पॉइजन, जो कि वेनम के भी नाम से जानते हैं, वेनम लैटिन वर्ड इसका जो होता है पॉइजन होता है। और इसका टर्म लुईस पाश्चर ने दिए थे, और डिस्कवरी इवानोवस्की इन 1892। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम किसमें देखा वायरस, फर्स्ट टाइम इन्होंने टीएमवी में देखा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्होंने जो इन्फेक्शन वाले पत्ते थे उसको क्या किया, एक फेस लिप पे उसको खुरच के क्या किया, उसने उस पे जब उसको लगाया तो क्या देखा कुछ टाइम बाद कि वो भी पत्ते क्या हुए, इन्फेक्ट हो गए, इन्फेक्शन उसमें भी हो गया, तो इसलिए ये बोले कि ये क्या है, ये एक वायरस है। तो टीएमवी में फर्स्ट टाइम इन्होंने देखा तंबाकू के पत्ते में। और इसमें क्या होता है, इसका स्टडी को हम लोग वायरोलॉजी बोलते हैं, लैटिन वर्ड इसका पॉइजन होता है, टर्म लुईस पाश्चर ने दिए थे, डिस्कवरी इवानोवस्की इन 1892 में हुआ था, फर्स्ट टाइम इन्होंने टीएमवी तंबाकू के पत्ते में वायरस देखा। और इसका जनरल फीचर की बात कर लें, फीचर्स ऑफ वायरसेस
तो सबसे पहले ये तो ऑब्लिगेट ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। पैरासाइट यानी ये किसी सजीव परपोषी के अंदर रह के ही अपना प्रजनन शुरू करता है, तो ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। सेकेंड, कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। नॉन लिविंग ये क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है, कड़ी होती है। इसमें एक्सेप्शन एक्सेप्शन ऑफ सेल थियरी, सेल थियरी, सेल थियरी किसने दिया था, स्लाइडन एंड सॉन ने दिया था। स्लाइडन स्लाइडन एंड स्लॉडन एंड सॉन ने दिए थे सेल थियरी। इसमें क्या होता है, ऑल लिविंग थिंग्स मेड अप ऑफ सेल्स, लेकिन वायरस में तो सेल्स पाया ही नहीं जाता है, इसलिए क्या होता है, ये एक सेल थियरी का अपवाद भी माना गया है। इसमें ए सेलुलर या नॉन सेलुलर होता है, नॉन सेलुलर होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन यानी इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है, तो इसमें न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन तो इसमें क्या हुआ, न्यूक्लिक एसिड में आइदर डीएनए आर आरएनए, या तो इसमें डीएनए होगा या आरएनए होगा। प्रोटीन में क्या होगा, कैप्सिड पाया जाता है, कैप्सिड, इसके यूनिट को हम लोग कैप्सोमियर के नाम से जानते हैं, कैप्सोमियर। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा, और इसमें प्रोटीन जो होता है कैप्सिड होता है, इसकी यूनिट को हम लोग कैप्सोमियर बोलते हैं। अब हम जानेंगे कि वायरस के शेप क्या होते हैं। तो चलिए जानते हैं हम लोग वायरस के शेप क्या होते हैं। Shapes of viruses. Brick shape. Brick shape. यानी ईंट के जैसा वो कौन सा वायरस है जो ईंट के जैसा होता है, वो क्या होता है, स्मॉल पॉक्स जो वो वायरस है वो ईंट के जैसा होता है। सेकेंड क्या होता है, रॉड सेप, ये रॉड के जैसा होता है वो वायरस है टीएमवी यानी
टोबैको मुझे वायरस, टोबैको मुझे वायरस। थर्ड हो गया टोबैको मुझे वायरस। थर्ड हो गया स्फेरिकल, 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 स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल। इसमें क्या होता है, इस ये गोल इसमें सर्कल में वायरस होता है, वो होता है एचआईवी, एचआईवी, पोलियो, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ये क्या होता है, सर्कल में पाया जाता है। फोर्थ होता है बुलेट से, बुलेट से, बुलेट से, जो बुलेट के जैसा होता है वो होता है रैबीज, रैबीज वायरस जो है वो बुलेट के जैसा होता है। फिफ्थ होता है, फिफ्थ, फिफ्थ टैडपोल, टैडपोल से, टैडपोल से, यानी जो मेंढक का लार्वा होता है उसके जैसा होता है वो क्या होता है, बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस, बैक्टीरियोफेजेस जो है वो टैडपोल सेप का होता है। तो ब्रिक सेप का स्मॉल पॉक्स, रॉड सेप का टीएमवी हो गया, और स्फेरिकल एचआईवी पोलियो और इन्फ्लुएंजा हो गया, बुलेट सेप का रैबीज और टैडपोल सेप का बैक्टीरियोफेजेस हो गया। तो हम लोग इस वीडियो में आज जाने हैं कि वायरस को किसने खोजा, वायरस के जनरल फीचर्स और वायरस के सेप्स के बारे में समझे हैं। तो आगे के वीडियो में हम वायरस के क्लासिफिकेशन के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।